हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु सुसहाय। मेरे ब्लॉग वीडियो पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें संभाल के रखा और इस समय मैं अपने लॉज अपने रेंट में हूँ और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि आज मम्मी आई है मेरे रूम में और आते साथ वो मेरा रूम का सफाई कर रही और अभी वो कपड़ा धो रही है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है, मम्मी के साथ क्या क्या करते हैं। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। हल्दी डाल दीजिए। देखो दीदी मम्मी कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बंदरे बनाए तो अच्छा लग रहा है। छत जा रहे, अभी कपड़ा पसा रहे हैं तो देखने जा रहे काम चल रहा है। इतना लगा रही बाप रे। छोड़ दे। चलो तुम्हारा बुढ़ापा छिप जा रहा, समझी? बुढ़ापा छिप रहा मतलब तुम्हारा बाल रेड हो जाएगा। चलो YouTube बंद करो। YouTube बंद करे। जाओ। हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, तुम्हारा वीडियो करेंगे। तुमको भी ड्यूटी जाना है ना। कितना लगाती है एकदम। हाँ अपना कैमरा हटा लेंगे। चलो मैं कहाँ जाएंगे, तुम आई तो तेरे पास ना रहेंगे। आपको ना गल मारेंगे। हटा ना मैं तो। हटा तो मार दे। उड़ गया रहा है। मम्मी का जुड़े उड़ी आ रहा है। सूख तो गया, बस रबर नहीं सूखा है। अंधेरा में नहीं दिख रहा है। हट गई। दिल लगा लिए। तो मम्मी मेहंदी लगा के वो बाल सुखा रही है और हम जा रहे हैं भी खाना बनाने के लिए। अभी खाना बनाएंगे क्योंकि सुबह का नाश्ता होने के बाद हम खाना नहीं बनाए थे। अभी गरम गरम बना के खाएंगे। तो ठीक है, खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर मम्मी को ड्यूटी भी जाना है। तो खाना बनाने के बाद फिर मिलते हैं। तो अभी खाना पक गया है। काट रहे हैं।
आपने जैसे मना किया तो मना सकते हैं। छुटकी वाली भी आ गई अभी। तो हम लोग खाना सब खा लिए हैं और अभी मम्मी जाएगी ड्यूटी के लिए, तो अभी वो रेडी हो रही है। जो जल्दी आना और वो रेडी भी हो गई है, अभी जा रही है, वो निकल रही है। तो मम्मी जाने वाली है और इसलिए जाने से पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। क्या सा ढका है सर में। धन्यवाद 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 राजम का राजा परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर नए दिन के लिए प्रभु, नए समय के लिए और इस सुंदर जीवन को प्रभु आपने दिया पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता पिछले दिन भर आपने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु माँ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब वो ड्यूटी के लिए निकलती है प्रभु जी, तू उसे जाने के लिए मदद कर प्रभु जी, जिस जगह पे ड्यूटी उन्हें करना है पिता, उस जगह पे भी पिता अपनी सुरक्षा में तू रखना खुदा परमेश्वर, और हर एक आने जाने में पिता परमेश्वर हर एक बातों में तू सहायता मदद करना प्रभु जी, और पिता तू सही सलामत जाने में और आने में भी तू सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर, अच्छी तरह से तू उन्हें संभाल कर रखना प्रभु जी, हर प्रकार की एक्सीडेंट दुर्घटना से, हर प्रकार की मृत्यु की शक्ति से, अंधकार की शक्ति से तू बचा के रखना पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि अब तक आपने संभाले रखा है प्रभु जी, तू इस समय भी प्रभु तू अपनी सुरक्षा में लेकर चलिए प्रभु, और अपनी अगुवाई को देना पिता। धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार बीते दिन आपने संभाला, वैसे ही तू प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी तू उनकी तू उनके संग साथ रहना प्रभु, उनकी अगुवाई करना पिता, उनके हर एक कामों में तू सहायता मदद कीजिएगा प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते, शून्य और दैस ग्रहण कीजिए, आमीन। ठीक है अब तुम जा सकती है। पानी नहीं लेगी माँ, प्यास लगेगा तो जाएगी ले जाएगा। हाँ भैया ठीक, मम्मी से मिलने आई थी अभी सो गई है, तो मम्मी अब चली गई है ड्यूटी के लिए और उसको छोड़ने गए थे नीचे सीढ़ी तक, सॉरी बाहर। मम्मी अभी चली गई है ड्यूटी के लिए और वो आएगी शाम रात में 8:30-9 तक में आएगी वो, तब तक हम अपना कुछ कुछ काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब माँ के साथ रहते हैं, जैसा भी रहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब वो पास में रहती है, तो कुछ भी टेंशन नहीं होता है, सब टेंशन फ्री लगता है, मतलब तो कुछ टेंशन ही नहीं होता है जब माँ साथ में रहती है। तो अभी वो आज जाएगी, फिर कल जाएगी वो, आज
उनका आखिरी ड्यूटी है रांची में, फिर वो चली जाएगी ट्रेनिंग के लिए। लहर रहा है यहाँ, फूल गया कैसे कैसे सही कैसे ना सही। इसको अभी मम्मी ड्यूटी से वापस आ गई है, फिर आते आते वो मेरे को दवाई लगा दी है, क्योंकि मम्मी आएगी तो फिर खाना उसको भूख लगेगा बोल के जल्दी जल्दी सब्जी बना रहे थे, तो सब्जी हाथ में टाइम उसको हाथ से थोड़ा ये हो गया, थोड़ा थोड़ा भाप उसमें लग गया, हम बुरस लगाए थे, मम्मी अभी मधुरस लगाती है। खाना खाएंगे मम्मी के साथ में, सब्जी बन गया है, खाना तो था दिन का, रोटी भी है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। मम्मी आ गई, और आप लोग भी मम्मी के लिए हमेशा प्रार्थना कीजिएगा कि वो जहाँ भी रहे परमेश्वर उसको संभाल के रखे, जहाँ भी वो ड्यूटी में जाए प्रभु उनके साथ रहे। लगता है कि हमेशा माँ के साथ रहे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बचपन में ही चली गई थी, और बचपन से ही दूर रख के आदत हो गया है, परेशान हो गई मेरा वीडियो बनाना देख के तो जानती तुम तो सब जानती। ये देखी मम्मी बोलो था माँ बाबा कॉल करी मम्मी बाबा का हमेशा फोन नंबर कॉल कर लो सबको लाइन लाइन, बेटा को एगो बेटी को फिर बाबा को, और हम तो तुम्हारे पास है ही, तुम मेरे पास है ही, तुमको कैसे कॉल करी चिकू कॉल करो, निर्मल को कॉल करो, बाबा को कॉल करो, हमको भी कॉल कर सकती है, हमसे बात नहीं हो रहा तो पूरा बांध ऊपर में क्या करे बर्बादी, तो ऐसे भी बाप इतना टाइट से बांधती है ना, घुमाएगी तुम। हाँ मैं ऐसे ही बनाते हैं, जैसे अपने बनाती वैसे ही बना रही हूँ, लटर पटर। चलो बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।